सभी सर्प और गरुड़ ये दोनों आपस में सौतेले भाई हैं। लेकिन सर्पों की माँ कद्रु ने छल के द्वारा गरुड़ की माँ विंता से एक शर्त जीत ली थी। इस कारण विंता को उसने अपनी दासी बना लिया था। और फिर सर्पों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रख दी थी कि यदि वह उनके लिए स्वर्ग से अमृत ला दे तो वह उसकी माँ को अपनी दासता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया था और सारे देवताओं को युद्ध में परास्त करके वहां से अमृत कलश का हरण कर लिया था। अमृत कलश को लेकर जाते हुए उस पराक्रमी गरुड़ से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया था। गरुड़ से युद्ध करते समय देवराज इंद्र मूर्छित हो गए थे। उनकी जब मूर्छा टूटी तब उन्होंने अमृत ले जाते हुए गरुड़ का पीछा किया था। उस पराक्रमी गरुड़ ने भगवान विष्णु से अजर अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया है, यह बात देवराज इंद्र को नहीं पता थी। इस कारण उन्होंने गरुड़ से अमृत कलश छीनने के लिए गरुड़ के ऊपर अपने वज्र का प्रहार कर दिया था। परंतु उनके वज्र के आघात से जब गरुड़ को कुछ नहीं हुआ तो देवराज बड़े ही चिंतित हो गए थे। तब गरुड़ ने बड़ी नम्रता से देवराज इंद्र को यह कहा था कि देवराज इंद्र, जिन महर्षि दधीचि की हड्डियों से यह वज्र बना है, मैं उनके सम्मान के लिए अपना एक पंख छोड़ रहा हूँ। गरुड़ की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बड़े ही हैरत में पड़ गए थे और फिर विवश होकर उन्होंने गरुड़ से यह कहा था कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ और साथ ही तुम्हारे बल को भी जानना चाहता हूँ। तब गरुड़ ने देवराज इंद्र की मित्रता स्वीकार करते हुए यह कहा था कि मुझ में इतना बल है कि मैं तीनों लोकों को अपने पंख पर उठाकर उड़ सकता हूँ। यह सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे मित्र, यह अमृत तुम जिन्हें देना चाहते हो वह सर्प अमर होने के बाद तीनों लोकों के विनाश का ही काम करेंगे, इसलिए यह अमृत कलश तुम मुझे वापस दे दो। तब गरुड़ ने देवराज इंद्र से कहा कि इस अमृत कलश को देकर उन सर्पों की दासता से मुझे अपनी माता को मुक्त कराना है, परंतु मैं जहां इसे रख दूंगा वहां से आप इसे उठा लाइएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और गरुड़ से बोले कि मुझसे कोई वर मांगो। तब गरुड़ ने कहा कि जिन्होंने कपट से मेरी माँ को अपना दास बनाया है वह सर्प मेरा प्रिय भोजन बने। देवराज इंद्र से यह वरदान पाने के कारण ही गरुड़ का सबसे प्रिय भोजन सांप हो गए हैं। गरुड़ अमृत कलश लेकर सर्पों के पास आ गए थे और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए अमृत कलश ले आया हूँ, अब मेरी माँ को अपनी दासता से मुक्त कर दो। सर्पों ने अमृत कलश को देखकर खुश होते हुए कहा कि आज से तुम और तुम्हारी माँ हमारी दासता से मुक्त हो। तब गरुड़ ने उस कलश को एक कुश के बने हुए आसन पर रख दिया और सर्पों से कहा कि तुम सभी लोग पवित्र होकर इस अमृत को पियो। गरुड़ उस अमृत कलश को रख कर वहां से चले जाते हैं तो सभी सर्प आपस में यह विचार करते हैं कि गरुड़ ने कहा है कि इस अमृत को पवित्र होकर पियो, मतलब कि हमें पहले स्नान ध्यान करना चाहिए, उसके बाद ही अमृत का पान करना चाहिए। ऐसा विचार करके सभी सर्प स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर चले जाते हैं और इसी बीच घात लगाकर बैठे देवराज इंद्र अपने उस अमृत कलश को उठाकर वापस स्वर्गलोक चले जाते हैं। जब सारे सर्प स्नान कर वापस आते हैं तो उन्हें उस कुश के आसन पर अमृत कलश दिखाई नहीं पड़ता है। तब वह सभी सर्प बड़े ही परेशान हो जाते हैं। उन सभी सर्पों में जो महात्मा सर्प थे वो कुछ सोचकर यह कहते हैं कि हमने जिस प्रकार छल कर गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया था, आज हमें अपने उसी कपट का फल प्राप्त हुआ है। अमृत कलश के गायब हो जाने के बाद सभी सर्पों की अमृत पीकर अमर हो जाने की अभिलाषा समाप्त हो गई थी। वह सभी उस कुश के आसन को बड़ी दीनता से देख रहे थे जिस पर गरुड़ ने वो अमृत कलश रखा था।
तभी सर्पों के दिमाग में यह बात आ जाती है कि हो सकता है इस कुश के आसन पर थोड़ा अमृत गिरा हो। यह सोचकर सभी सर्प उस कुश के आसन को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं, जिससे सभी सर्पों की जीभ के दो टुकड़े हो जाते हैं। कुश एक ऐसी घास होती है जिससे हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ की पवित्र सामग्री में शामिल किया जाता है। अमृत कलश से स्पर्श हो जाने के कारण ही इस कुश को पवित्र माना जाने लगा था।